हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेजर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है। मेजर थ्योरी पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा, कुछ डेफिनेशंस जो इसके बेसिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब टू सेट्स का डिफरेंस क्या होता है? लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ एक्स, देन बाय ए माइनस बी वी शैल मीन द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी एंड इज डिफाइंड एज ए माइनस बी एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मीन्स अगर मेरे पास कोई भी सेट एक्स है और उसके मैंने कोई भी दो सबसेट लिए ए और बी, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? उन दोनों के डिफरेंस में जो एलिमेंट आएंगे वो ए के होंगे, बट ए के ऐसे एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे। ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं होंगे। मीन्स अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि एक्स जो है वो 1, 2, 3 कोई भी सेट है, ए उसका कोई सबसेट है 1, 2 और बी कोई सबसेट है 2, 3, तो ए माइनस बी इसमें ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं होंगे। अब ए में 1 है, क्या 1 बी में है? नहीं है, तो हम इसे नहीं देखेंगे। हमें ए के वो एलिमेंट इसमें डालने हैं जो बी में नहीं होंगे, तो ए का 1 एलिमेंट बी में नहीं है तो 1 इसमें आएगा। 2 जो एलिमेंट है क्या वो बी में है? है, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो a माइनस बी मतलब हमें a के वो एलिमेंट इससे हटा देने हैं जो b में हैं। 2 इसका एलिमेंट है जो b में है, तो इसको हम a माइनस बी में नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ 1 आएगा। तो ये a माइनस बी हो गया। अब जो a माइनस बी है उसकी डेफिनेशन हो गई, मतलब ये होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। इफ़ a इज a सबसेट ऑफ x, देन x माइनस ए, अगर हमें x माइनस ए निकालना हो तो सेम जो सेट पहले आता है इसके अंदर उसी के एलिमेंट आएंगे, पर वो आएंगे जो इस दूसरे सेट में ना हो। x के वो एलिमेंट आएंगे जो a में ना हो। इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इन x, अब हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कौन होगा a का कॉम्प्लीमेंट? x माइनस ए। x कौन होता है? यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट है, और उसके किसी भी सबसेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट यानी कि डिफरेंस कर देते हैं, और दो सेट का डिफरेंस हमने सीख लिया कि उसके अंदर वो एलिमेंट आते हैं पहले वाले सेट के जो दूसरे में ना हो। ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ए कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट करते हैं। अब ये रिमार्क है कि ए डिफरेंस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। ये हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। अगर मैंने सेम एग्ज़ाम्पल लिया कि x मेरा 1, 2, 3 है, तो हमने देख लिया कि a डिफरेंस b मेरा 1 आता है। अब मैं इसको a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट और वेरीफाई कर लेती हूँ। तो a अगर मैंने 1, 2 लिया और b मेरा 2, 3 था, तो b के कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? b के कॉम्प्लीमेंट में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, b के कॉम्प्लीमेंट में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट कौन है? x जो कि 1, 2, 3 है, और इसमें से b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या है? b 2, 3। अब इसके अंदर कौन आएगा? वो एलिमेंट आएंगे इसके जो इसमें नहीं है। अब 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, तो इन दोनों के डिफरेंस में 1 आ जाएगा। तो b के कॉम्प्लीमेंट में क्या हो गया? 1। हमें क्या निकालना है? a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। a मेरा 1, 2 है और b का कॉम्प्लीमेंट 1 आया है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 है, तो a और b के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 1 आया है, और a डिफरेंस b भी मेरा 1 आया था, इसलिए मैं a डिफरेंस b को a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ। अब उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कहती है कि अगर मेरे पास a और b कोई भी सबसेट्स हैं x के, देन अगर मैं उन दोनों सेट्स की यूनियन करती हूँ और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ, तो वो उन दोनों एलिमेंट्स पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ए पे कॉम्प्लीमेंट
यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और बी पे कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन अब यूनियन में चेंज हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ कहती हैं। उसके बाद मेरे पास सबसे पहली डेफिनेशन आती है बूलियन रिंग और रिंग ऑफ सेट्स। बूलियन रिंग या रिंग ऑफ सेट्स क्या होती है? बूलियन रिंग कहती है कि अगर मेरे पास एक कलेक्शन ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए रिंग ऑफ सेट्स और बूलियन रिंग इफ, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन है कि मैं कोई भी दो एलिमेंट अगर इस ए कलेक्शन से उठाऊं तो उन दोनों का डिफरेंस भी इस ए कलेक्शन में आना चाहिए, और अगर दूसरी कंडीशन कहती है कि मैं कोई भी दो एलिमेंट इस ए कलेक्शन से उठाऊं तो उन दोनों की यूनियन भी इस ए के अंदर आनी चाहिए। मतलब मेरे पास एक्स कोई भी सेट है और उस एक्स सेट के मैंने सबसेट्स लिए, उन सबसेट्स को मैंने ए का नाम दिया कि ये जो ए नोटेशन है इसके अंदर इसके सबसेट्स पड़े हुए हैं, एक्स के सबसेट्स पड़े हुए हैं। अब उन सबसेट्स में से मैं कोई भी दो सबसेट उठाती हूँ, उन दोनों का डिफरेंस करती हूँ तो वो भी उसी में अगर मिले, और उन दोनों की यूनियन करूँ वो भी अगर मुझे उसी में मिले तो उस कलेक्शन को मैं रिंग ऑफ सेट्स या बूलियन रिंग बोलूँगी। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, सेम अगर मैं एक्स को 1, 2 और 3 अज्यूम करूँ और इसके जो कलेक्शन जो मैंने ये ए नोटेशन दिया है, इस कलेक्शन के अंदर अगर मैं इसके सबसेट्स 1, 2 और 1, 2 ये कलेक्शन अगर मैं ये वाला कलेक्शन ले लेती हूँ तो मुझे क्या दिखाना है कि मैं इसके अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाऊँ, मैंने मान लिया कि मैंने इसका एक सेट उठाया पी जो कि मैंने 1 उठाया और एक क्यू उठाया जो मैंने 2 उठाया, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ पी माइनस क्यू क्या है 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 में क्या आएगा, इस पहले वाले सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 जो इसमें नहीं है, तो ये इनके डिफरेंस में आ जाएगा। तो पी माइनस क्यू क्या आया 1, क्या 1 इस सेट में है? है। तो हमें यही दिखाना था कि इस सेट के आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, मैंने ये दो उठाए उनका डिफरेंस करो, ये जो डिफरेंस आए वो भी इसी सेट में आना चाहिए, तो 1 इसी में आ रहा है। सिमिलरली आप अगर इन दोनों को उठाते हो 2 और 1, 2 तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 में से अगर मैं 1, 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो इसके वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, बट 2 के अंदर तो ये जो 2 है ये तो इसमें है, तो ये इसमें, तो यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा। 5 क्यों, इसके एलिमेंट आएंगे जो इसमें ना हो, इसमें एक ही एलिमेंट है और वो भी इसमें है, तो यानी कि ये एलिमेंट मेरा इनके डिफरेंस में नहीं आएगा, तो क्या आएगा 5। 5 जो होता है, अब क्या 5 इस सेट के अंदर है, तो 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है, उसे लिखें चाहे ना लिखें, तो ये 5 भी इसके अंदर है। सिमिलरली हमें दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी होती है कि इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं तो उनकी यूनियन भी इसी में जानी चाहिए, तो मैंने ये जो पी लिया है और ये जो क्यू लिया है इसकी यूनियन चेक करते हैं, तो 1 यूनियन 2 क्या आती है 1, 2 और ये 1, 2 इसमें है। मतलब ये जो एक कलेक्शन मैंने लिया है इसके आप कोई भी दो सबसेट उठाएंगे तो इनका डिफरेंस भी इसी में मिलेगा और इनकी यूनियन भी इसी में मिलेगी, इसलिए ये जो एक कलेक्शन होगा ये मेरे पास बूलियन रिंग या रिंग ऑफ सेट्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है, इफ ए इज ए रिंग ऑफ सेट्स, रिंग ऑफ सेट्स मतलब जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, अगर ए रिंग ऑफ सेट्स है तो इसने कहा है कि अगर आप उसके कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी उसी से बिलोंग करेगा। तो इसके प्रूफ के लिए हम देखते हैं, मैंने ए और बी कोई भी दो सबसेट इस ए कलेक्शन से उठाए, तो ये अगर ए रिंग ऑफ सेट्स है तो ये इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी ए में मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर ए में है तो अगर ए और बी इसमें हैं, ए और बी मैंने इस ए कलेक्शन से कोई भी दो एलिमेंट उठाए, तो अगर ए और बी इसमें हैं तो ए माइनस बी भी इस कलेक्शन में मिलेगा, ए माइनस बी भी इस कलेक्शन में मिलेगा, क्योंकि ये जो ए कलेक्शन है ये मेरे पास रिंग ऑफ सेट्स या बूलियन रिंग है। अब ए माइनस बी भी इस ए से बिलोंग कर रहा है और ए भी इस ए से बिलोंग कर रहा था, तो अगेन इन दोनों का डिफरेंस ए का और ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो भी ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए भी ए का एलिमेंट है और ए माइनस बी भी ए का एलिमेंट है, तो ए माइनस बी भी ए का ही एलिमेंट होगा।
a माइनस बी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो a माइनस बी है इसको हम a इंटरसेक्शन a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो a माइनस बी होता है उसको हम a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, जो हम पीछे शो कर चुके कि a माइनस बी a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ हमने वही यूज़ कर दिया कि a माइनस बी a इंटरसेक्शन a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यही प्रॉपर्टी अगेन अंदर यूज़ करेंगे a माइनस बी पे, तो ये भी a माइनस बी a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और ये जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट था ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है डी मॉर्गन्स लॉ, वो क्या पढ़ा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज ए का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेट खुद आ जाता है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं पे भी लिखा हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, जो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होता है। मतलब ये जो यूनियन का जो साइन है ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों पे, और जो इंटरसेक्शन का साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम ये चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये दोनों के साथ आ जाएगा, और जो ये यूनियन का साइन है ये बीच में आ जाएगा। अब ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट ना हो, और इसमें सारे ए के एलिमेंट हैं, तो इसमें ए के और इसमें ए का कोई भी नहीं है, तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं, फाई। फाई इन दोनों में कॉमन हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब फाई की किसी भी सेट के साथ यूनियन करते हैं तो वो सेट ही आ जाता है, तो ये मेरे पास ए यूनियन बी ही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो इसलिए हमने क्या दिखा दिया, लेके हम चले थे कि a माइनस बी जो कि a से बिलोंग करता है, ये मैंने a इंटरसेक्शन b के इक्वल दिखा दिया। तो a इंटरसेक्शन b के इक्वल दिखा दिया, तो a माइनस बी अगर a से बिलोंग करता है तो a इंटरसेक्शन b भी a से बिलोंग करेगा। और हमें क्या प्रूव करना था कि अगर a और b में कोई भी दो एलिमेंट a के उठाऊं तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी a में जाए, तो ये प्रूफ हो गया। इसके बाद डेफिनेशन आती है सिग्मा रिंग। सिग्मा रिंग क्या होती है? ए कलेक्शन ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स इफ इट इज क्लोज्ड अंडर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंसेस एंड काउंटेबल यूनियंस दैट इज। मतलब अगर इसके अंदर भी सेम है जैसा मैंने सिग्मा एलजेब्रा में पढ़ाया था, कि अगर मेरे पास कोई भी कलेक्शन ए है जो कि किसका कलेक्शन है, एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है, उन कलेक्शंस में से अगर मैं कोई भी दो सेट्स उठाती हूँ और उनका डिफरेंस करती हूँ तो वो उसी सेट में आना चाहिए, और अगर उन दो एलिमेंट्स की यूनियन करती हूँ तो भी उसी सेट में आना चाहिए, तो उसे हम सिग्मा एलजेब्रा कहते थे। सिग्मा रिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि इसमें हम डिफरेंस, अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं तो उनका डिफरेंस भी इसी में जाना चाहिए, पर अगर उसके हमने इनफाइनाइट एलिमेंट्स उठा लिए, मतलब जितने एलिमेंट्स हम चाहते हैं उतने हमने उठा लिए और फिर उनका यूनियन करके देखा तो भी उसी में आए, तो वो सिग्मा रिंग कहलाता है। इसलिए इसने लिखा है कि काउंटेबल यूनियंस, यानी कि काउंटेबल यूनियंस मतलब जितनी भी एलिमेंट्स मैं उठा सकती हूँ, इसके जितने भी सबसेट्स हैं a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन, अगर मैं उन सबको उठा के देखूँ और उनकी यूनियन करूँ तो वो भी उसी में आना चाहिए। और ये इनफाइनाइट सबसेट्स किसके मिलते हैं? जो सेट खुद इनफाइनाइट हो। तो x अगर मैंने कोई इनफाइनाइट सेट ले लिया, एक मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया, जो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो उसके अंदर इनफाइनाइट सबसेट्स बन जाएंगे, तो उन सब का अगर मैं यूनियन करके देखूं, जितने भी मैं उसमें उठाऊं तो वो भी उसी में अगर आ जाते हैं, तो उस कलेक्शन को हम सिग्मा रिंग बोलते हैं। ये डिफरेंस है सिग्मा एलजेब्रा और सिग्मा रिंग में। तो इसलिए सिग्मा रिंग में तो हम कितने भी उठाएं उनका यूनियन करें तो उसी में आना चाहिए। तो अगर कोई सिग्मा रिंग है तो वो सिग्मा एलजेब्रा तो होगा ही। सिग्मा एलजेब्रा में तो सिर्फ दो एलिमेंट की यूनियन करनी होती है और वो चेक करनी होती है, इसमें जब बहुत सारे एलिमेंट्स की यूनियन भी इसी में है तो दो की तो होगी। तो इसलिए सिग्मा रिंग जो है वो हमेशा सिग्मा एलजेब्रा होता है।
उसके बाद इन्होंने सेम प्रॉपर्टी जो हमने वहाँ प्रूव की थी, वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए यूनियन बी ए में आता है तो हमने ये पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी भी ए में आएगा। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी हम उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि अगर मेरे पास यूनियन ऑफ ए आई अगर ए में आता है तो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई भी ए में ही आएगा। तो वही यहाँ रिमार्क में लिखा है कि ए अगर मेरे पास सिग्मा रिंग है, ए आई कोई भी सीक्वेंस ऑफ सेट्स मैंने ए से लिया, तो इनका इंटरसेक्शन मैं करूँगी वो भी ए में आएगा। ओके, इसके बाद डेफिनेशन आती है लेंथ ऑफ एन इंटरवल। इंटरवल की लेंथ क्या होती है? तो कोई भी जो इंटरवल है विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इट्स एंड पॉइंट लेंथ ऑफ आई इज इक्वल टू बी माइनस ए। मतलब मेरे पास कोई भी इंटरवल है जिसके एंड पॉइंट्स, लाइक ये कोई भी इंटरवल ले लिया, तो इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स मतलब ये, इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनका डिफरेंस, और ये हमेशा फिक्स रहता है कि किसी भी इंटरवल में जो सबसे पहले होता है वो छोटा होता है इस लास्ट वाले से, ये हमेशा ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो इसलिए जो सबसे बड़ा है उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बी माइनस ए वही इंटरवल की लेंथ हो जाती है। अगर हम कोई ओपन इंटरवल लेते हैं तो यहाँ भी हम बी माइनस ए ही लिखते हैं, कोई ओपन इंटरवल अगर हम ले रहे हैं तो बी माइनस ए जो है वो इंटरवल की लेंथ हो जाती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सेट फंक्शन की। सेट फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज अ क्लास ऑफ सेट्स इज कॉल्ड अ सेट फंक्शन। मतलब अगर हमने कोई फंक्शन लिया है जिसकी डोमेन मतलब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक रूल होता है जो मैप करता है एक सेट को दूसरे सेट पे। अगर हम फंक्शंस को देखें तो फंक्शन क्या होता है, इधर कोई एक सेट होता है और इस सेट को, कोई भी एक सेट मान लिया ए है, इस सेट को वो फंक्शन मैप करता है किसी भी दूसरे सेट पे, जो कि मेरे पास बी सेट है। मैप करता है मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स के लिए इधर कोई एक इमेज दी जाती है, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो इसने कहा है कि जो ये डोमेन सेट है ना, इस डोमेन सेट के अंदर अगर आप सेट्स डाल दो, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर की जगह कोई सेट्स पड़े हुए हैं, तो उस फंक्शन एफ को हम सेट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सेट फंक्शन की। नेक्स्ट डेफिनेशन है रियल वैल्यूड सेट फंक्शन की। रियल वैल्यूड सेट फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड सेट फंक्शन इफ़ इट्स डोमेन इज क्लास ऑफ सेट्स एंड को डोमेन इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर आर। मतलब अभी हमने जब सेट फंक्शन पढ़ा तो हमने इसकी बात की थी कि ये मेरे पास रियल नंबर नहीं होने चाहिए, ये मेरे पास कोई सेट होना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं कि इसकी को डोमेन क्या हो सकती है। अब इसने कहा कि अगर ये तो सेट हो और इसकी को डोमेन रियल नंबर हो तो उसको रियल वैल्यूड सेट फंक्शन बोलते हैं। अब इस एफ को हम रियल वैल्यूड सेट फंक्शन, यानी कि वैल्यू तो रियल दे और डोमेन में सेट्स ले, उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड सेट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एक डेफिनेशन है एक्सटेंडेड रियल सेट्स, यानी कि एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? नॉर्मली जो हम रियल नंबर पढ़ते हैं उसका मतलब होता है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के जितने भी नंबर आते हैं वो हम रियल नंबर्स में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम किसी डोमेन के किसी पॉइंट की वैल्यू अगर हम ये कहें कि इन्फिनिटी दे दें, यानी कि ये कोई डोमेन का कोई एक पॉइंट है और इसकी इमेज अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डिफाइन कर दूँ, हमने ऐसे बहुत कम केसेस देखते हैं कि हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डिफाइन करें, तो अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डिफाइन कर दूँ तो उस फंक्शन को हम एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। यानी कि एक तो होता है रियल वैल्यूड जिसकी वैल्यू रियल आए, बट एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मतलब एक्सटेंड हो जाए दो एलिमेंट से, दो एलिमेंट और आ जाए, एक इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी, तो उसको हम एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। तो ये इसने डेफिनेशन दी है कि अगर आर के साथ मैं यूनियन कर दूँ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स। वही लिखा है कि एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड सेट फंक्शन विच ऑल्सो टेक्स आइदर ऑफ वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। यानी कि एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन एक रियल वैल्यूड सेट फंक्शन ही होता है जो कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी वैल्यूज ले सके। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने डिफाइन कर दिया कोई फंक्शन, हमने डिफाइन कर दिया लेंथ ऑफ इंटरवल। मतलब ये कि मेरे पास डोमेन के अंदर इंटरवल्स पड़े हुए हैं और उनकी को डोमेन, उनकी जो इमेज है ना, उसके अंदर मैंने उनकी लेंथ डिफाइन कर दी। यहाँ पे मैंने कोई इंटरवल लिया 1, 2
और इस पे मैप क्या कर दी, इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, 2 माइनस 1 1। तो इंटरवल तो मेरे पास ये भी होता है, 0 से इन्फिनिटी भी इंटरवल होता है। अब इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी माइनस 0 यानी कि इन्फिनिटी। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन। सेट फंक्शन क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन के अंदर सेट पड़े हुए हैं। और ये रियल वैल्यूड क्यों, क्योंकि इसकी जो कोडोमेन है वो रियल आ रही है। और एक्सटेंडेड क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने इन्फिनिटी भी डाल दिया, इसलिए ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन हो गया। ओके गाइज, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम अपनी अगली वीडियो में इससे आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।